अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। फ्रेश एंड मोर किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं केपे की मशहूर डिश बन्नू बीफ पुलाव। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इनके इसके लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये गोश्त मैंने लिया है 1 kg, और ये हड्डियाँ ली हैं मैंने यखनी के लिए। प्याज 2 अदद दरमियाने कटे हुए, दही, इमली जो मैंने पहले से भुगो ली है, 15 मिनट पहले आपने इमली को भुगो लेना है। लेमन 2 अदद बारीक कटे हुए, हरी मिर्च प्री कटी हुई, नमक 2 चम्मच, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा 2 टेबल स्पून है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। दही है 4 से 5 अदद, गरम मसाला, बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची 2 टुकड़े हैं चंद, और छोटी इलायची 3 अदद, और बड़ी इलायची के 2 पीस, ठीक है। काली मिर्च, टमाटर 2 अदद कटे हुए, सूखा धनिया, ज़ीरा। तो ये तमाम अज्जा जो है ये इसके लिए यखनी के लिए पुलाव के लिए अब हम तैयार करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हम ये पहले हड्डियाँ डालेंगे, फिर ये हम इसमें ये गोश्त ऐड करेंगे, और पानी इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे, ये 1 लीटर, ये 2 लीटर। 2 लीटर हमने इसमें पानी ऐड किया है, और ये सेला चावल है दूसरी साइड पे। 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं जिनको मैंने 3 घंटे पहले भुगो लिया है। इनको भुगोना ज़रूरी है 3 घंटे पहले, क्योंकि ये सेला चावल है। ये देखें, ये अच्छे से ये भीग चुके हैं, तो अब हम इनको बनाएंगे। ये 2 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया, अब इसमें 2 चम्मच नमक ये ऐड होगा, ये ज़ीरा हो जाएगा, सूखा धनिया यखनी के लिए। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 2 स्पून, अदरक पेस्ट, थोड़े से इसमें हम अनियन डालेंगे, ये गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको प्रेशर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि गोश्त का गलना इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक ये गलेगा नहीं, आपका यखनी पुलाव जो है वो अच्छे से तैयार नहीं होगा। तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, अब हम आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर देंगे। आधा घंटा हो चुका है, तो अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। ऑफ करने के बाद हम इसका ये विसल जो है वो ऊपर से नहीं उतारेंगे, ताकि इसके स्टीम जो है वो बाहर ना जाए, और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको ये खोलेंगे, लाएंगे, ये देखिए बेहतरीन यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम राइस तैयार करेंगे। अब हम राइस तैयार करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल 2 कप। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। यखनी में से मैंने ये बोटियाँ अलहदा कर ली हैं, उसमें बाउल में इसमें डाल ली, और यखनी हमने अलहदा से रख ली है। तो चावल बनाते वक्त सबसे पहले हम ये गोश्त को करेंगे मिक्स, उसके बाद इसमें हम वो यखनी ऐड करेंगे। प्याजों को देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, कितना प्यारा कलर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपने जलाने नहीं है प्याज। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे प्याजों को। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटरों को अच्छी तरह जब तक गलते नहीं है अच्छी तरह पकाएं, साथ ही लहसुन का पेस्ट डालें, अदरक का पेस्ट, और अच्छे से इसकी भुनाई करें। टमाटर का पेस्ट अब ये तैयार हो चुका है, अच्छा सा मसाला अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, अच्छे से लेंगे। गोश्त अच्छी तरह भून चुका है, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब जो हमने पहले से यखनी तैयार की हुई थी वो अब हम इसमें ऐड करेंगे।
ये सारी यखनी हम इसमें ये ऐड कर देंगे। यखनी डाल दी है, बॉयल आने तक इसको पकाएंगे अच्छे से, ये जो उबल जाएगा फिर इसमें हम चावल डालेंगे। अब आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। यखनी का पानी बॉयल हो चुका है, अब ये राइस मैं इसमें ऐड करूँगी। ये लॉन्ग ग्रेन राइस है जिसको हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो लिया था अच्छे से। अब हम इसको ढक देंगे ऊपर से। जब अब हम चावल को लेंगे दम पर रख देंगे। अब ये जो मैंने पहले इमली भिगोई हुई थी ये देखिए, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये लेमन बरी कटे हुए 2 डालेंगे, हरी मिर्चें कटी हुई, और मिक्स करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको दम पे रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि ये सेला चावल है, इनको दम में ज़्यादा देर लगती है और नॉर्मल चावल जो है उसको कम टाइम लगता है। अब हम इसको दम पे रखेंगे, ढक्कन पे पोना लगाएंगे और 25 मिनट के लिए ऐसे यूँ इसको दम रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम दम चेक करेंगे चावलों का। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखिए कितना अच्छा दम आया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे, सर्विंग के लिए पेश करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त राइस तैयार हुए, राइस तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और लॉन्ग ग्रेन राइस तैयार हुए हैं, बिल्कुल बहुत मज़ेदार। और इसके साथ मैंने ये सलाद तैयार किया है और सलाद के साथ रायता, इसके साथ अब हम इसको सर्व करेंगे। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बोटी कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि हम इसको आराम से ऐसे खींचे तो ये अलग हो जाए, इतने अच्छे से गोश्त को पका होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।